कादिर कहाँ है? 204 में। करोड़ों रुपए का बैंक डिपॉजिट, हर रात गुजारने के लिए कम सिन कुंवारी लड़कियां और पीने के लिए 5,000-10,000 रुपए की विदेशी स्कॉच की बोतल और रहने के लिए राजा महाराजाओं की तरह राजमहल और तकिए के नीचे गीता बाइबल कुरान, पेशानी पर तिलक के साथ साथ नमाज का निशान, तुम्हारी एक आवाज पर हथियार उठाने वाले, हड्डियों का सूप पिला पिला कर जिन्हें पाला वो गुंडे, अपने ही देश को कब्रिस्तान बनाने के लिए विदेशियों की फेंकी गई हड्डी को चूसने वाले, तुम दोनों तो कुत्तों से भी बदतर हो। भगवान के नाम पे लोगों की कीमत लगाने वाले व्यापारी, तुम जानते हो ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमारे देश की आजादी के लिए क्या कुछ नहीं किया। अब बताओ, दो मासूम बच्चों की लड़ाई को लेकर तुमने मछुआरों के बीच में बलवा खड़ा करा दिया। ऐसा कराने के लिए किसी नेता ने ही तुम्हें बोला था ना? ऐसे दंगे करवाने से ही सरकार हमेशा पलटा करती है और तभी कोई और मुख्यमंत्री बनता है और उसके पास जी के कृष्णन और तुम्हें नचाने के लिए हाथ में लगाम है। उसके लिए पैसा और दो बीवियों के साथ अलग अलग रहने के लिए दो ताजमहल जैसे बंगले बनवाने के लिए पैसा, कुल मिला के भगवान के नाम से तुमने खिलवाड़ किया है। तुम ये झूठ बोल रहे हो। मैं बोलता हूँ, करके दिखाता हूँ। चौप चिल्लाना बंद करो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अगर होम मिनिस्टर के साथ तुम्हारी कोई जाति दुश्मनी है तो उसे रोड पे मत लाओ। सर, ये कोई हमारा जाति मामला नहीं है। जीके कृष्णन और कादर साहब को छोड़ने का मंत्री जी ने जो कहा है वो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा अपमान होगा। उनके बारे में बोलने का तुम्हें क्या हक है? शराफत इसी पे कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हम लोग तुम्हें ये जुलूस नहीं निकालने देंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे साहब जी, भले ही मर जाएं पर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। रुक कर, जबान लड़ाता। आपको शर्म नहीं आती इस तरह से बात हुई? अमरनाथ, रिपोर्ट टू माय ऑफिस इमीडिएटली। मुझे दूसरा कुछ नहीं सुनना है। उन दोनों को जेल से रिहा करने की बात मैंने तुमसे पहले ही कही थी ना? कुछ बोलते क्यों नहीं? अब उसकी वजह से हालात बिगड़ गए, जानते हो ना? बोलो मिस्टर अमरनाथ। मेरी कोई भी बात आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आप कभी भी अपने मन की बात सुनकर काम नहीं करते हैं। जो पूछा है बस उसका जवाब दो। जिस पर मैंने गोली चलाई वो एक खतरनाक क्रिमिनल था। उसकी मौत पर इतना अफसोस मनाने की किसी को जरूरत नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। मिस्टर अमरनाथ, माइंड योर वर्ड्स, नहीं तो मेरी पदवी, मेरी इज्जत, परिवार का गौरव, ये सब मिट्टी में मिला दिया। तुमने पढ़ा ना जो पेपर में छपा है? मेरी सगी बहन, इस कलेजे का टुकड़ा, उसके बारे में ये बात चुभेगी, मैं जानता हूँ। क्योंकि दुनिया में प्यार की कहानी का आविष्कार तो आप ही ने किया था ना? वरना बेचारी अश्विनी ने जो प्यार के सपने संजोए थे वो सारे के सारे आपके हाथों बर्बाद नहीं होते। अधिकार की कुर्सी पर बैठने के बाद उस बेचारी अश्विनी की आंखों के आंसू आप समझ नहीं पाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो तुम्हारी कुर्सी के बीच में आने लगी तो आप उसे जान से मरवाने से भी पीछे नहीं हटे। Because you are a fanatic, एक वहशी दरिंदे हो। तुम्हारे हाथ उठाने का जवाब मैं भी दे सकता हूँ, पर नहीं। लाखों करोड़ों की रिश्वत खाकर गरीब लोगों पर जुल्म ढाने वाले एक थर्ड ग्रेड गुंडे के हाथ को मैं जब चाहूं तब मरोड़ सकता हूं। किसी नामर्द बाप की औलाद नहीं है ये अमरनाथ। नो, देशद्रोहियों को सजा दिलाने के लिए मैंने अपने दिन रात एक कर दिए।
मैं जानता हूँ तुम्हारे इशारे पर यहाँ पर कौन कौन से अत्याचार हुए हैं, लेकिन इंस्पेक्टर अमरनाथ का कुछ नहीं बिगाड़ सके। इन सब में तुम्हारा और तुम्हारी पार्टी का हाथ है। बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव नो सॉलिड एविडेंस अगेंस्ट यू। अगर वो हाथ लग गए तो होम मिनिस्टर अब्दुल रहीम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मगर उससे पहले आपने जो यूनिफॉर्म मुझे वापस पहनवाई है, उसी के जरिए आपके ही खिलाफ सबूत इकट्ठे करूंगा। अमरनाथ, तुम अगर समझते हो कि मैं किसी हिजड़े की औलाद हूँ तो समझ लो, प्लीज सेंड योर रेजिग्नेशन लेटर। मेरे बारे में जो भी समझना है समझ कर जाओ, प्लीज डू इट। एक बात समझ लो, इतने सारे दुश्मन बनाने के बाद भी तुम्हारे बदन से यूनिफॉर्म नहीं उतारी गई, वो सिर्फ इसीलिए कि मैं एक होम मिनिस्टर हूँ। मुझे भी तुम्हारे पिताजी के मौत का बहुत अफसोस है, इसके बावजूद मैंने तुझे बुलाकर अपने सिर के ऊपर बिठाया। यस, क्योंकि मैं हिजड़े की औलाद हूँ। मंत्री का ओहदा मिलते ही मैं एक लड़की के आंसुओं को पूरी तरह भूल गया। तुमने कहा ना मैं नहीं जानता, क्या तुम जानते हो? अश्विनी मेहता एक हिंदू लड़की है, फिर भी मैं शादी करना चाहता था, पर जिस दिन शादी होने वाली थी उसमें रुकावट आ गई। तुमने कहा ना मैं आतंकवादी हूँ, मैं देशद्रोही हूँ। जब शादी के मंडप में उसके आने का इंतजार कर रहा था, जो इस शादी के खिलाफ थे, उसके पिताजी ने आत्महत्या करके हम दोनों को अलग कर दिया और वो शादी नहीं हुई। तुमने और क्या कहा था? करोड़ों रुपए कमाने के लिए मछुआरों की बस्ती में दंगा कराने वाला थर्ड रेट गुंडा। वो थर्ड रेट गुंडा कौन है ये? जब तुमने जीके किशन और खादर साहब को अरेस्ट किया था तभी जान लेना चाहिए था। 24 घंटों के अंदर उन दोनों को छोड़ा या नहीं, और तुमने उनके साथ क्या किया ये जानने के लिए केंद्र ने फैक्स के जरिए मुझसे रिपोर्ट मांगी। तुम जैसा समझ रहे हो उस तरह का मंत्री मैं नहीं हूँ, मैं तुम जैसा इंसान हूँ। उन्होंने साफ साफ कहा था कि उन दोनों को नहीं छोड़ा तो तुम्हारा सर उड़ा देंगे। बाहर जो तोड़ फोड़ हुई उसके पीछे कौन है मैं नहीं जानता अमरनाथ, नहीं जानता। अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो मैंने तुम्हें बुलाया था अपने करीब रखने के लिए, बदकिस्मती से तुम और दूर चले गए, बहुत दूर। सर, ये लो देख लो, विदेशी ताकतों की मदद से जातिवाद के नाम पे जो दंगे फसाद हुए और जुलूस वगैरह निकले, उसके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो रिपोर्ट तैयार करके भेजी है ये वही है। लेकिन यहाँ के देशद्रोहियों ने इस फाइल को खोलकर देखने के लिए भी मुझे टाइम नहीं दिया। केवल आसाम, पंजाब, कश्मीर ही नहीं, हमारे राज्य में भी गैर कानूनी ढंग से हथियार आ रहे हैं, और ये खबर हमें पड़ोसी राज्यों से बराबर मिलती रही। उन्हें पकड़कर सजा दिलाने के लिए एक अकेले सर्कल इंस्पेक्टर तुम और ये एक मंत्री काफी नहीं है अमरनाथ, लेकिन तुम पर मुझे पूरा विश्वास है, इसीलिए। सॉरी सर। आठ साल का था जब पिताजी की मौत हो गई, ठीक से मैंने उन्हें देखा भी नहीं, मैं बहुत ही छोटा था। रात में मैं पिताजी की राह देख देख कर सो जाता था, उसके बाद पिताजी आते थे और फिर सुबह सुबह पिताजी चले जाते थे, तब भी मैं नींद में होता। मेरी बदकिस्मती, मैं उन्हें देख नहीं पाता था। मेरी माँ पिताजी से बताया करती थी कि इंतजार करके सो गया। जब मैं गहरी नींद में होता तो मेरे पिताजी मेरे पास में आकर मेरे माथे पर एक चुम्बन देके चले जाते, फिर पिताजी के बारे में सब कुछ मेरी माँ ही मुझे बताया करती थी, और मेरी आंखें नम हो जाती थीं। तभी मैंने फैसला किया कि पिताजी की तरह जीऊंगा, पिताजी की तरह ही मरूंगा। अमरनाथ, और आज मैं उस मुकाम पर पहुंच गया हूं। सर प्लीज। मैं जानता हूं तुम हारने वालों में से नहीं हो, तुम पर पूरा विश्वास है, इसीलिए यह फाइल तुम्हें दे रहा हूं। इसके जरिए तुम किसी को भी पकड़ सकते हो, कोई भी कार्रवाई कर सकते हो। होम मिनिस्टर अब्दुल रहीम ये बोल रहा है, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। क्या रिया,